अब तक आपने देखा जो से हमारा आंगन यो तो आपने देख लिया, अरे यो हमारा चूल्हा घर। माया बहुत टेस्टी टेस्टी पकवान बनाती से। यो मेरे बाबूजी की तस्वीर, जब भी उनकी याद आती से तो मैं यहाँ चली आती हूँ उनसे बात करने। भाभी जी नमस्ते। आइए आइए। कैसे भाभी जी? मैं ठीक हूँ। दुनिया में दूसरे नंबर वाले को कोई याद ना रखे, उसी चक्के लकी जी को देखो, दो कैसे चूल्हा पक ले। आज रात को हमें अपना मिशन कम्प्लीट करना। अब देखना कल जब ये गिरेगा इस चूल्हे पे तो इस घर का शांति पाठ हो जाएगा भंग। अब आगे से गिरा दो। अरे चोर 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 जी भाई, बाबूजी की आशीर्वाद क्यों लेने बार बार इतनी रात को? मारे को लग रहा ना दीदी यो नींद में चल रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। शायद उसे नींद में चलने की बीमारी है। इनको जूता सुंघाना पड़ेगा। हाँ? नहीं, जूता नहीं, इसे मिर्गी की प्रॉब्लम थोड़ी ना है, नींद में चलने की बीमारी है। तो ऐसा ना कुछ और ही हो जाए। हम एक काम करते हैं, हम इसे सुला देते हैं। अच्छा तेजी जी, बरदान इनको खाट तक ले जाओ ना। चलो तेजी भाई। अरे बाहर नहीं जाना तेजी भाई, इधर इधर को आओ। करीना बहन जी माफ कर देना, मनने लगा चोर था इसलिए मनने वो। चलो सो जाते। हाँ सोते, वैसे भी कल सवेरे पूजा है ना शांति पाठ की, माफ कर देना। चलो में दूसरे नंबर वाले को कोई याद ना रखे। क्या कर रहा तू? कुछ नहीं याद इधर करो ना। भाई सीख लो ना, भाई सीख लो। मैं और माँ जी चाहते हैं कि आप अपने खेत में बहुत तरक्की करो और नंबर वन बनो, ताकि बच्चा बच्चा आपको पहचान पाए, दूर से लोग देख के यो कहे कि यो देखो राणा जी जा रहे हैं यहाँ के नंबर वन पहलवान। हाँ,
रुको, इधर आ रहा ना, इधर आ। जी बाबूजी, मारे को जरा बताएगा कि ताला ध्यान कहाँ है? तारे को कितनी बार मैंने समझाया ना, ये अखाड़े में जब उतरो तो मस्तक एकदम ठंडा रखो। ये बात है? अरे बोल, क्या बात के? नहीं नहीं बाबूजी, वो कुछ नहीं। देख, तारी नस नस से वाकिफ हूं मैं, सच सच बता बात क्या है। बाबूजी वो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आज के बाद किसी भी कुश्ती के कैंप से न्योता आए तो बाबूजी आप एक बार मन्ने भी भेजने की सोचना। इसमें सोचना क्या है, जरूर भेजेंगे। अब तुम्हारा एक काम कर, मैं जा रहा हूँ बकरियां वाले। जी बाबूजी। घर पे खबर दे देना कि मैं जा रहा हूँ। और कमला भाभी ने तेरे से पूछा ना कि भाई साहब कहाँ हैं? जी। तो कहना उनको कोई काम आ गया था तो मैं अकेला ही हूँ। जी बाबूजी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम पवित्र पवित्राणि सर्वस्थांग पुंडरीकाक्ष सूचि। अब मैं मंत्रोच्चारण करूंगा और आप आहुति देना। ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवाय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहुवे नमः स्वाहा, ओम केतवाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये दक्ष नमः स्वाहा, ओम रामदूताय नमः स्वाहा, ओम एकदंताय नमः स्वाहा, ओम अश्वाय नमः स्वाहा, ओम गणनाय नमः स्वाहा। हे भगवान, हमारे घर के ऊपर यो जो गरीबी के बादल छाए हैं ना, इन्हें हटा दो। कैसे भी हो बरदान को सीए की नौकरी लगवा दो तो घर में कुछ पैसे आवेंगे, समाज में हमारा कुछ रुतबा तो बढ़ेगा। बरदान की सिफारिश से ना इनको भी थोड़ी अच्छी नौकरी लगवा देंगे, फिर मैं भी नए जमाने के अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, सिनेमा देखने जाऊंगी, लट्टू को भी अच्छे अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराऊंगी, फिर आगे चल के वो भी बड़ा आदमी बन जाएगा और हमारा जीवन भी बदल जाएगा। भगवान, यो सब तो आप ही कर सको। भोलेनाथ, आपसे कुछ और ना चाहिए मन्ने, बस इस घर में शांति बनाए रखना, आप हमारे बच्चे जहां भी रहें उन्हें सुखी रखना। कुछ ऐसी दया दृष्टि करो भगवान कि कोमल लाखा जी का दिल जीत सके। अब फूल दीजिए। हे ईश्वर, यो घर के साथ साथ मारे घर में भी शांति बनी रहे, मारे बच्चों के जीवन हमेशा खुशहाल रहे, उनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी ना हो। हे भगवान, इब तो मेरे दो घर से, आप मेरे दोनों घरों में शांति बनाए रखना और मन ने शक्ति देना कि मैं लक्की जी का दिल जीत सकूं। घी लेकर आइए। अब प्रधान जी, मुझे बताइए कहाँ रखा है, मैं ले आता हूँ। जी भाई, यहाँ पे। वाह, हे भगवान, मैं तो बस लक्की जी की खुशी चाहती हूँ और कुछ ना।
ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। गिरा भाई, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक हो? मैं तो बस निकाल रहा था। और करीना बहन जी को सब दिखाया और आज सब टूट गया, और वो भी शांति पाठ वाले दिन। ओह गॉड, पंडित जी, यू सब क्यों हो रहा है? हम तो शांति पाठ करा रहे हैं ना, यू सब क्यों हो रहा है हमारे घर में? और शांति, मैं तो कहूं इस घर में घनी अशांति है। पंडित जी, आप कोई उपाय बताइए, इब के करें हम? मन्ने लागे है कि आपके घर में भारी प्रकोप से, और उससे भी ऐरा गहरा प्रकोप ना से, बहुत भयंकर और ताकतवर प्रकोप से। इतना ताकतवर कि शांति पाठ की पूजा भी ना होने दी। मुझे लगता है आपके घर का शुद्धिकरण करना होगा और उसके बाद ही शांति पाठ करना होगा। पंडित जी, अब ये शुद्धि कराने के कितने पैसे लग जाएंगे? पंडित जी, जो भी जरूरी है वो आप सब कीजिए, लेकिन घर का शुद्धिकरण कर दीजिए। आप सब लोगों के रहते हुए शुद्धिकरण करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आप लोगों को ये घर खाली करना होगा। हाँ पंडित जी, हम भी बाहर चले जाएंगे, आप जल्द से जल्द शुद्धिकरण कर दो। चलो बेटा, शुद्धिकरण ऐसे ना होए, कम से कम 3 दिन लगेगा इस घर से बुरे साये को हटाने को। भी तो होगा, 3 दिन हम कहाँ रहेंगे? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, पड़े चले थे हमारा घर उजाड़ने, अब खुद ही हो गए बेघर। शास्त्रों के अनुसार जो उपाय थे वो मैंने बता दिए, और तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। देखिए, घर की शांति के लिए शुद्धिकरण करना बहुत ही जरूरी है। भाभी, आप
उनकी माँ के घर शायद रह सकते हो। अरे छोरी, मारे घर को सिर्फ मारा बोल के तुम्हारी इज्जत कम ना करो है? तू तो बस उसे अपना घर समझ। अरे आप सबका तुम्हें दिल खोल के स्वागत करती हूँ अपने घर, लेकिन ये बताऊं छोरी, विकट समस्या है मेरे घर में। अरे मेरे घर की हालत बड़ी खराब है छोरी, मैं अकेली होती ना तो कोई बात ही ना थी, लेकिन हमारे घर में तो पायल का भाई, उसकी बीवी और बच्चों ने तो हर कमरे में कब्जा करके रखा होगा। के बताऊं, मुझे तो खुद को सोने की जगह ना मिले, कितनी बार मैं रात को आंगन में सोती हूं। अब बताइए ऐसी हालत में मैं आप लोगों को अपने घर कैसे ले जाऊं छोरी? अरे सब जाने हैं लक्ष्मी जी का दिल कितना बड़ा, पर काश मेरा घर भी मेरे दिल जितना बड़ा होता। अब मैं खे कर समझन जी, मैं आपकी सारी बात समझू, आप ना बिल्कुल परेशान ना हुई, और फिर 3 दिन की तो बात से जिसे कैसे करके हम संभाल लेंगे, हम ना पास वाली धर्मशाला में रह जाएंगे। माँ, उस धर्मशाला का हाल देखा आपने? बहुत खराब से रहने लायक ना से। मगर हम 3 दिन तक जाएंगे का। माँ जी, सुनिए जी, बाबूजी, क्या होगा हमारा? हम सड़क पे आ गए क्या? आपको किसी धर्मशाला में जाने की जरूरत ना है भाभी, आप पूरे परिवार के साथ मारे घर चलो, 3 दिन आप रहेंगी अलावत हाउस में। जमुना भाभी, मैंने आपको बहुत सही सुझाव दिया है भाई, ऐसे वक्त में अपने ही काम नहीं आए तो फिर क्या फायदा, आप हमारे घर आओगे तो हमारे घर की इज्जत बढ़ेगी। घर में कोई कमरा तो खाली है नहीं, लगता है मुझे ही लात मार के बाहर निकालेंगे ये लोग। माँ जी, पते की बात तो कर रहे हैं बाबूजी, दोनों परिवार एक साथ रहेंगे, घुल मिल जाएंगे, तो पिछले दिनों जो मन मोटा हुआ वो भी धुल जाएगा, और हमें भी तो उनके सेवा सत्कार करने का मौका मिलेगा। मान जाओ ना। अरे बहू, कुछ तो लिहाज कर, छोरी के ससुराल वालों से मैं सेवा कराऊंगी तो सीधी नरक में ना जाऊंगी। करीना, तू तो इन्हें बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही थी, ये पासी तो उल्टी पड़ गई तुझ पे। भाई जी, आप माफ कर दीजिए, यो मारे से ना हो पावेगा, मारे को जो ठीक ना लागे। वाह भाभी, इन 2 मिनटों में आपने मेरे को इतना पराया बना दिया। ये ना भूलिए कि हम दोनों के घरों के रिश्ते दोस्ती पर भी जुड़े हैं, चलिए हमारे साथ। हाँ माँ, चलो ना हमारे साथ। माँ जी, कितनी मिन्नत कर रहे हैं बाबूजी, अरे इब तो दोनों परिवारों के दोस्ती का भी वास्ता दे दिया आपको, जे छोड़ दो। इब आप सबने बोल बोल करके मारे को मजबूर कर दिया से, इब मैं के बोलूं, मारे तो कुछ समझ में ना आ रहा। भाभी, अगर जरा सी भी मजबूरी लग रही है ना तो मैं आपको चलने की जिद छोड़ देता हूँ, तो आपको जाने की खुशी हो ना तो हमारे साथ चलना। मेरे लिए चलो ना माँ। ठीक से भाई जी। कोमल बेटा, बाल्टी को फोन करके बता देना कि सब आ रहे हैं रहने के लिए। जी बाबा। जमुना भाभी, आपको जो भी पैकिंग करनी, तैयारी करनी कर लीजिए, मैं बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ। जी।
जल्द से जल्द इन लोगों का कुछ करना होगा, वरना ये तो हमारे घर को अपना परमानेंट एड्रेस बना लेंगे बिना बात के। हेलो मालती माजी, मैं कोमल बोल रही हूँ। हाँ बोल, क्या काम है? वो बात के कि बाबूजी ने कहा आपको फोन लगाने। मैं माँ बरदान शंकर भैया हर भाभी अरलट्टू घर आ रहे सर। क्यों, ऐसा क्या हो गया? सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ सब ठीक सर, पर हमारे घर में वो शुद्धिकरण हो रहा सर, इसीलिए हमें आना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। थारे को थारे बाबूजी की इजाजत मिल गई है ना, फिर मारे को क्यों फोन कर रही है दिखाने के लिए? माँ जी